भी नहीं है अभी घर पे। कैसे बन गए आज बिल्कुल तोते की तरह, मतलब ब्लू तोता, बिल्कुल तोते ऐसे लग रहे हो। तो आज थोड़ी ठंड बढ़ रही है और मौसी और मौसा जी, उनका फ़ोन आया था कि वो लोग आने वाले हैं बस 5 मिनट के अंदर एक अननोन प्लेस पर, जिसके बारे में सिर्फ मौसा जी को पता है, वहाँ पर हम लोग निकल रहे हैं। तैयार तो हो जाओ, चलना है। हाँ चलना, ये नहीं पता अंकल को पता है। अरे अंकल आप तो इंटरव्यू देने आ रहे, ऐसे लग रहे हो देने या लेने जैसे, मतलब तैयार ही यार हो गया है मस्त बीच में। कहाँ चल रहे मेरे को ये भी नहीं पता। नहीं तो वहाँ चलो तब वहाँ होगा। खर खर की आवाज आ रही, बाद में रिकॉर्ड करता हूँ मैं, पूछता हूँ। सामने नाली बन रही है ना, तो उसी कारण आवाज आ रही। मैं रिकॉर्डिंग चालू करता हूँ और आवाज चालू हो जाती है ऑटोमेटिक। हम लोग के होम टाउन के पास एक जगह है खेरपानी, उसके पास एक गुफा है, इतना सिर्फ मुझे पता है। पूरी बाकी की डिटेल अंकल देंगे, आई मीन उन्हीं की जवानी पूरी डिटेल सुनेंगे कि हम लोग कहाँ पर आए हैं और वो जगह फेमस क्यों है। तो अब निकलते हैं अंकल की गाड़ी से। तो कहीं जाते समय पहला काम जो करते हैं हम पेट्रोल भरवाने का, तो वही काम कर रहे हैं। अंकल तो नाव से उस तरफ गए तो हीरापुर, ये गुफा डेवलप नहीं थी ना तब, हम तो कई बार गए हैं, मगर उसमें क्या है अभी एक पुल रास्ते में नहीं बना, दो पुल बन चुके हैं, तो वो रोड अभी ऐसी इतनी सुविधाजनक नहीं है। पहले सिर्फ आवाज आ रही थी, अब चेहरा आ रहा है आपका। मम्मी चुपचाप ही बैठी हुई। तो ये पीछे जो दिख रहा है, ये हम लोग आ गए हैं गुरु गुफा। और गुफा के लिए हम लोगों को सीधा जाना था, पापा और अंकल नीचे चले गए। तो पंडित जी हैं क्या, जो कौन या केयर टेकर है पंडित जी, केयर टेकर मेनली जो बंदा है, केयर टेकर ही है, पंडित जी नहीं हो। तो केयर टेकर ने बोला है किस तरफ जाना हम लोगों को सीधे, बोले पापा और अंकल वापस आ रहे, उतना लंबा ज़्यादा चल रही है वो। अच्छा वो मैं नहीं गया, थोड़ा पीछे था उनसे, अब मैं सबसे आगे हो गया हूँ। दो बज गया है और अपना बीपी लो है। यस, मेरा बीपी लो हो जाता है अगर, तो मुझे बीपी लो कोई बीमारी नहीं है, बस आपको सही टाइम पर खाना खाते रहना चाहिए, अगर नहीं खाओगे तो बस थोड़े चक्कर आने लगते हैं। और वही काइंड ऑफ हुआ थोड़ा सा, अभी नीचे आना है, अभी हुआ कि क्योंकि 2:30 बज गए, कुछ खाया नहीं है, कुछ खाया नहीं है, तो अब थोड़ा चक्कर आने लगे। खाना हम लोग लेके आए लेकिन गाड़ी पीछे रह गई है, गाड़ी पीछे रह गई और हम लोग यहाँ पूरा वॉक करके आए। तो मम्मी ने थोड़ा टॉफ़ी उनकी जेब में मिल गई थी, आई मीन उनके पर्स में थोड़ी टॉफ़ी मिल गई थी, तो वही खा रहा हूँ, तो चक्कर एटलीस्ट बंद हुए थोड़े। कुन्नू आंटी और मम्मी बेचारे दोनों पीछे रह गए और थोड़ा थक गए, क्योंकि चलना थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, लंबा हो रहा है और पहाड़ पर चलना पड़ रहा है। गुफा में एंट्री नंगे पैर, अंकल हिस्ट्री बताना पड़ेगा आपको, हमें तो हिस्ट्री नहीं पता है। अंदर सकरी सी कुलिया है, अब आराम से जाओगे, हमें नहीं हो रहा, जा। ये तो मैं लाइट जला के चल रहा हूँ जिससे मेरा फेस थोड़ा देखे, आगे करूंगा तो मैं भी दिखेगा नहीं। थोड़ा ट्राई करो, अगर हाँ कुल्लू आंटी को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी क्योंकि गुफा के अंदर हम लोग आ गए। ठीक है, आपको जैसा लगे उस से आना, ठीक है, ओके। बेचैनी हो रही है तो टाइम लेके आओ, नहीं तो मत आओ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखो पूरा अंधेरा है, खूब अंधेरा है। एक मैं अपने चेहरे पर लाइट मार रहा हूँ ताकि दिख जाए,
और ये गुफा में हम लोग अंदर जाते जा रहे हैं। आह, और मेरी हाइट के अकॉर्डिंग बहुत छोटा हो गया है। ये है पूरी गुफा, आह, जिसके अंदर मैं आ गया हूँ। दोनों जला लेता हूँ मैं। हाँ, यहाँ लाइट, एक्चुअली लाइट है तो जल नहीं रही है क्या? अरे ये तो पुराने माने की वैष्णो देवी की गुफा हो गई है, बहुत ज्यादा फकरी। जोर से बोलो जय माता दी। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ, आप आगे चलते रहो। आदि शंकराचार्य के गुरु गोविंदा पादाचार्य जी, वो यहाँ तपस्या करते हुए आदि शंकराचार्य को मिले जी। जी, फिर उनकी दीक्षा भाई, यहाँ पे दीक्षा हुआ है, आदि शंकराचार्य की दीक्षा यहाँ हुई जी। अभी भी वो शेषनाग के रूप में है, वो जो उनको स्थान है। एक चीज भी और है खासियत कि अपन जितने भी पत्थर हैं सब में अलग अलग साउंड निकल रहा था, अलग अलग साउंड आती है इनमें जी। जैसा कि केयरटेकर साहब ने बताया कि यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य आके समाधि लिया करते थे, तपस्या करते थे। हाँ, तपस्या करते थे समाधि। आप आगे चलो, थोड़ा लाइट दिखेगी मुझे। तो तपस्या करा करते थे, और यहाँ पर जैसे अमरनाथ में है, वहाँ पर ऊपर से जो स्नो आती है, बर्फ आती है, रिस रिस के पिंड बनाते हैं भगवान शिव का, उसी तरह यहाँ पर रिस रिस के अलग तरह के स्ट्रक्चर बने हुए हैं। उन्होंने बताया कि गणेश जी बने हुए हैं, भगवान लॉर्ड गणेश बने हुए हैं, शंकर जी बने हुए हैं, शंकर भगवान की पूरी फैमिली बनी हुई है अंदर। तो मैं फिर कहूँगा कि हमारे घर के आसपास ही इतनी यूनिक चीज़ें हैं जिनको हम कभी एक्सप्लोर नहीं करते। अगेन, इस जगह पर मैं पहले कभी नहीं आया, और मेरे होम टाउन में ही है ये। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आने के बाद, मलेशिया के बाटू केव्स की याद दिला दी, और लेबनान का जैटो ग्रेटो याद आ गया। कुन्नू आंटी नहीं आई, उनको थोड़ा सफोकेशन हो रहा था। वैसे सफोकेशन लाइक था नहीं, लेकिन उनकी हर एक की बॉडी अलग होती है, वो अनकंफर्टेबल थी तो वो नहीं आ पाई। और गेट के द्वार से, मेन गेट से अंदर तक जाने में, वॉक करने में अप्रॉक्सीमेटली 2 मिनट ही लगता है। 2 मिनट अंदर जाने का, 2 मिनट बाहर आने का, और जितना आपको बैठना है, दैट्स इट। और अब हम जा रहे हैं भोजन खाना करने के लिए, खाना खाने के लिए। आज तो तोड़ दूंगा बिल्कुल, इतनी भूख लगी है। भाड़ में गया जिम, हो गया जिम। आज खाने में मुझे कोई नहीं रोक सकता। आज मैं मेधो के भी जितने वीडियो में देखा है ना आप लोगों ने, मेधो के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। तो जी, खाने का प्रोग्राम में थोड़ा चेंज ये हुआ है कि इधर बैठने में मज़ा आएगा नहीं, तो अंकल ने सजेस्ट करा है कि आगे गाड़ी ले जाते हैं। ये रास्ता बनी हुई है, यहाँ गाड़ी ले जाते हैं, हम लोग चटाई लेके आए और खाना लेके आए। आगे आके नर्मदा नदी है, वहाँ पर मस्त बैठेंगे। और आज तो मैं रिकॉर्ड तोड़ देना खाने का, बिल्कुल खा खा के, मतलब कुछ नहीं बचने का आज खाने में। हाथी, घोड़े, डायनासोर सब नाच रहे हैं मेरे पेट में। तो यहाँ पर ही रास्ता बंद है, यहाँ पर वायर वगैरह ला के रखे हुए। हम लोगों ने पूछा बाजू वाले किसान से कि ऐसा क्यों करा है, तो उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर गाय वगैरह आ जाती थी, और उस बंदे की बाजू में खेती है, इसलिए उसने वहाँ पर रोड बंद करके रखी हुई है। ज़्यादा नहीं, 100 मीटर का होगा वॉक, बाय वॉक। ये वो पीछे दिख रही है, वो नदी है। तो मस्त खाना आना हो गया सी, और अच्छी चीज़ क्या है, हम लोगों ने कुछ यहाँ पर फैलाया नहीं। यूज प्लेट्स को हम लोगों ने अपने बैग में रख लिया है, तो
क्योंकि पर्सनली मैं नहीं चाहता कि नदी के किनारे का एरिया को हम गंदा करें। मेरा कुछ भी कंट्रीब्यूशन रहे हो तो गंदा करने में, तो हम लोगों ने वो सारी यूज़ प्लेट्स को अपने साथ रख लिया है। ऊपर डस्टबिन होगा तो वहाँ डालेंगे, नहीं तो घर पे ले आएंगे, अपने पर्सनल खुद के घर के अंदर वाले डस्टबिन में डालेंगे और कल जो गाड़ी आएगी उसमें हम दे देंगे। कचरे की गाड़ी आती है गाना गाते हुए, ये उत्तरांचल या हिमाचल प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट की तरह ही एक खूबसूरत नज़ारा मेरे होम टाउन से। और ये डॉगी अभी साथ में चल रहा है, वफादारी को इससे सीखे, थोड़ा सा खाने को दिया और कंटिन्यू हम लोगों के साथ चल रहा है। मुझे लग रहा था कि हम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो यहाँ पर। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो फट से लाइक बटन को दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कुछ कमेंट डाल दीजिए। आप लोगों का लव और सपोर्ट मुझे एनकरेज करेगा और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए सिर्फ आपके लिए। चलो सायोनारा।